Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिर्फ टेक स्मार्ट में। आज आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। आप कोई से भी ब्रांड का लैपटॉप परचेज करते हो तो उसमें अधिकतर आपको ये देखने को मिलते हैं, और आज इन्हीं को मैं एक्टिवेट करके आपको बताऊंगा कि आपको विंडो को और ऑफिस को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। बहुत सारी व्यूअर्स मुझे कमेंट्स करते हैं कि इसे एक्टिवेट कैसे किया जाता है। वीडियो में बने रहिए, बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल लैपटॉप को कर लेते हैं ऑन। Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको विंडो 10 को आपको यहाँ एक्सेप्ट के लिए बोल रहा है, तो आपको यहाँ एक्सेप्ट करना है और फिर वेट करना रहेगा आपको। Type your email address or phone number. तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका पहले से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अगर बना हुआ है तो आपको यहाँ ईमेल लगानी रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अधिकतर यूजर्स जब फर्स्ट टाइम खरीदते हैं तभी वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाते हैं। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि विंडो को एक्टिवेट कैसे करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करते हैं, इसीलिए आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। तो अपने को सबसे मेन चलते हैं, अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडो को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ अपने को क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है सबसे पहले। Let's get an account going for you. You can use your own email address, or we can help you create a new one. तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको क्या करना रहेगा, अगर आप चाहो अपनी पहले वाली जो आपकी ईमेल बनी हुई है आप उससे भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना सकते हो, और अगर आपको नई अगर बनानी है तो वो आपको नई बनाने के लिए आपको गेट ए न्यू ईमेल एड्रेस पे आपको यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ आपको बनानी है अपनी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की न्यू ईमेल। तो फ्रेंड्स, अपने हिसाब से आप जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप नाम से इसे क्रिएट करना चाहते हो, तो आप उसे ईमेल बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ केवल अपना मनपसंद जो भी आपका नाम क्रिएट करना हो वो आप कर सकते हो, और आगे ऑटोमेटिकली outlook.com बन जाएगा। मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ यहाँ से नेक्स्ट, और यहाँ लगाने रहेंगे आपको पासवर्ड अपनी इच्छा से। और यहाँ आपको जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री को आपको यहाँ सेलेक्ट करना रहेगा, और यहाँ आपने लगानी रहेगी डेट ऑफ बर्थ। और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ को अपनी लगा के और आपको यहाँ से नेक्स्ट करना रहेगा। फिर आपको यहाँ आपको लगाने रहेंगे अपने मोबाइल नंबर। और फिर आपको करना रहेगा नेक्स्ट। आपको यहाँ क्रिएट पिन बनाने रहेंगे, और अपने इच्छा से आप जो भी अपने पासवर्ड देना चाहो वो आप दे सकते हो, और मिनिमम आप इसमें 4 डिजिट के पासवर्ड आप इसमें लगा सकते हो। फिर यहाँ आपको ओके करना रहेगा। फिर आपको यहाँ करना रहेगा यस, आप इसको ड्यू इट लेटर करना है। Save files and photos to
to OneDrive for some added peace of mind? आपको यहाँ ओनली सेव फाइल टू द दिस पीसी और आपको यहाँ क्लिक करना रहेगा गोट इट और यहाँ एक्सेप्ट एक्सेप्ट। यहाँ आपको अपना फर्स्ट नाम जो भी आपका निकनेम हो वो आप यहाँ डाल सकते हो। यहाँ आपको सेकंड में डालना है रीजन और यहाँ आपको करना है फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. यहाँ अपना डेस्कटॉप रेडी हो गया है और मैं फ़िलहाल इसमें यहाँ मैं जाता हूँ इसकी पर्सनलाइज में और यहाँ से लेना रहेगा अपने को माई कंप्यूटर का आइकन। यहाँ जाना है अपने को डेस्कटॉप आइकन सेटिंग और डेस्कटॉप आइकन सेटिंग में आने के बाद में माई कंप्यूटर कंट्रोल पैनल इनको आपको यहाँ से अप्लाई करना रहेगा और ये अपने को डेस्कटॉप पे वहाँ शो हो जाएंगे। फ्रेंड्स मैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, लैपटॉपों के अंदर एचपी के अंदर मैकेफे नाम से एक एंटीवायरस आता है और वो मेरा सजेशन यही रहेगा आप उसे अपने कंट्रोल पैनल में जाके और अपने लैपटॉप से उसे रिमूव कर दो क्योंकि विंडो के साथ ही यहाँ अपने को मिल जाता है विंडो डिफेंडर के नाम से एक एंटीवायरस आता है इसमें विंडो के साथ ही वो अच्छा काम करता है और अपने आपके लैपटॉप को लैग भी नहीं होने देगा। तो फिलहाल चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी में और यहाँ देखते हैं विंडोज़ एक्टिवेट हुई है या नहीं। तो यहाँ मैं आपको ऊपर की तरफ बता दूँ विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज के अंदर आपको ये 64 बिट में देखने को मिल रही है और यहाँ आपको अपने को मिल जाती है विंडोज़ इज़ एक्टिवेट, इसका मतलब अपनी विंडो बिल्कुल एक्टिवेट है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें फ़िलहाल आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 को मैं एक्टिवेट करके आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्टिवेट और यहाँ लिखा हुआ है एक्टिवेट ऑफिस। यहाँ लिखा हुआ है गेटिंग ऑफिस रेडी फॉर यू। यहाँ आपको कंट्री जो आप जहाँ भी आप रहते हो आपको वो सिलेक्ट करनी है और यहाँ नीचे की तरफ आपको इंग्लिश हिंदी तो अपने को इंग्लिश में ही करनी है और आगे नेक्स्ट और फिर आपको नेक्स्ट करना है। फिर आपको यहाँ यस सेंड एक्सेप्ट फिर डन और फिर ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ देखो ये आपको एक्सेल पे क्लिक करना है ऑफिस पे और यहाँ ऑफिस पे क्लिक करने के बाद में मैं आपको यहाँ बता दूँ अकाउंट, तो आपको यहाँ अकाउंट पे क्लिक करना है और जैसा कि आपका अपने यहाँ ये देख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट करने के लिए अपने को क्या करना है, आपको एक्टिवेट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ आपको नेक्स्ट करना है। फ्रेंड्स आपको एक्टिवेट प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, वो इसलिए लग सकता है क्योंकि अगर आपका इंटरनेट अगर फास्ट वर्क नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ टाइम लग सकता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड मैं आपको बता दूँ, सेकंड में आपको अपडेट ऑप्शन पे यानी कि आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को अपडेट करना रहेगा। तो मैं फ़िलहाल अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको ये अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करना है और अगर आप इसे अपडेट नहीं करोगे, अगर जब तक आप इसे अपडेट नहीं करोगे तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ आपको कंटिन्यू करना रहेगा, मैं फ़िलहाल कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ अपना ऑफिस अपडेट हो चुका है तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज़। तो यहाँ देखते हैं ऑफिस एक्टिवेट हुआ है या नहीं। तो आपको यहाँ अकाउंट में आना है और अकाउंट में आने के बाद में ये देखो अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट एक्टिवेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 यानी कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी एक्टिवेट हो चुकी है और यहाँ अपना ऑफिस भी एक्टिवेट हो चुका है।
और मैं यहाँ एक बात आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता दूँ, बहुत सारी मुझे व्यूवर्स कमेंट्स करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 19 ये लाइफ टाइम रहता है, जब तक आपका लैपटॉप रहेगा तब तक आपकी विंडो और आपका ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तब तक रहेगा। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ अपना रेडी हो गया है, लेकिन आपको यहाँ मैं बता दूँ ये अकाउंट एरर ये क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अपना सब कुछ अकाउंट बन तो गया है लेकिन अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ क्लिक करना रहेगा फिक्स मी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जस्ट ए मोमेंट, यहाँ आपका फर्स्ट नेम जो स्टार्टिंग में हमने डाला था, तो फ्रेंड्स हमने विंडो को भी एक्टिवेट कर लिया है और ऑफिस को भी एक्टिवेट कर लिया है। और बहुत सारे व्यूवर्स मुझे एक कमेंट्स और करते रहते हैं, जैसे स्टार्टिंग के अंदर आप कभी भी न्यू लैपटॉप परचेज करते हो तो मैं उसमें HDD का अपने वन ही पार्टीशन अपने को देखने को मिलता है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क है, 1 TB फुल नहीं आती है, इसमें 930 GB का ही स्पेस शो कर रहा है। अभी मैं इसके आपको पार्टीशन बना के बताता हूँ, बहुत सारे व्यूवर्स मुझे कमेंट्स करते हैं तो मैं आज आपको बना के बताता हूँ। आपको यहाँ डिस्क PC पे जाना है और राइट क्लिक करना है और फिर मैनेज पे क्लिक करना है, आपको यहाँ डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ अपना विंडोज C पार्टीशन शो हो रहा है और आपको यहाँ राइट बटन क्लिक करना है और नीचे श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं पार्टीशन बनाने जा रहा हूँ और वैसे मैं आपको बता दूँ विंडो 10 के लिए 50 GB भी सफिशियंट रहती है, लेकिन विंडो अभी क्या है अपग्रेड नए से नए अपग्रेड आ रहे हैं, तो अगर अपने पास 1 TB की हार्ड डिस्क अपने को यहाँ मिल रही है तो यहाँ मैं 250 GB स्पेस रख देता हूँ। अब आप लोग बोलोगे कि यार SSD 256 GB की SSD आजकल लैपटॉप में आ रही है, तो उसमें आप सिंगल ही पार्टीशन रखा करो, उसमें पार्टीशन मत बनाया करो, यहाँ मैं विंडो के लिए 200 GB सफिशियंट रहेगी और मैं फिलहाल सिंगल एक पार्टीशन और बनाने जा रहा हूँ 750 GB का। यहाँ अपने को 720 GB का अनलोकेटेड स्पेस मिल गया है और यहाँ इसको कन्वर्ट करते हैं पार्टीशन में, तो आपको यहाँ क्लिक करना रहेगा न्यू सिंपल वॉल्यूम और फिर आपको नेक्स्ट, फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश। आपको यहाँ भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है पार्टीशन क्रिएट होने में, और जैसा कि ये पार्टीशन क्रिएट हो चुका है और मैं इसको यहाँ से ओपन कर रहा हूँ और ये अपना दूसरा पार्टीशन क्रिएट हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ मैंने 200 GB तो सी के लिए रख दी और 732 GB का मैंने अलग पार्टीशन बना लिया है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी इस वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो को एक्टिवेट करके बताया और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी मैंने एक्टिवेट किया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई अगर क्वेश्चन अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम शो हो रही है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।